मुजफ्फरनगर में टू जेड रोड स्थित केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के आवास पर शनिवार को बड़ी संख्या में आशा संगिनी पहुंची, जहां उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर BCPM अधिकारी रमेश सिंह चौधरी को शाहपुर ब्लॉक से जानसठ तबादला करने पर भड़ास निकाली। आशाओं ने केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान से मिलकर अपने BPCM अधिकारी का तबादला रुकवाने की गुहार लगाई, जिसके बाद मंत्री संजीव बालियान ने आशाओं की समस्या को सुनकर तत्काल मुख्य चिकित्सा अधिकारी को फोन किया और महिलाओं की समस्या का समाधान कराया। बीजेपी महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष ललिता त्यागी ने बताया कि उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान से मुलाकात की है। उन्होंने संजीव बालियान को अवगत कराया कि उनके BPCM अधिकारी को मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा शाहपुर ब्लॉक से जानसठ ब्लॉक पर स्थानांतरित कर दिया गया था। ललिता त्यागी ने बताया कि उनके BCPM अधिकारी ईमानदारी की मिसाल है। उन्होंने कहा कि अगर BPCM रमेश सिंह का तबादला शाहपुर ब्लॉक से होगा तो वह शाहपुर ब्लॉक की हर संगिनी आशा अपना काम छोड़ देगी। मेरा नाम ललिता त्यागी, भाजपा महिला मोर्चे की मंडल अध्यक्ष। कहाँ से आए आप? हम शाहपुर ब्लॉक से आए। कौन आपके साथ है? सभी आशा 130 आशा साथ हैं। आशा संगनी किसी को नहीं लेकर चलते ना, हमारे साथ में कोई मर्द है। जो हमारे BCPM उनका ट्रांसफर वहाँ कर दिया था जानसठ, जबकि हम उन तक तो कोई दिक्कत नहीं आया। उन जितना ईमानदार पूरे मुजफ्फरनगर में कोई नहीं होगा, कोई भी इतने ईमानदार हैं। आज तक किसी पता एक घूंट पानी का भी लेना पसंद नहीं करते। बोलना अगर मैं किसी पता एक घूंट पानी का पीऊंगा गलती पर, मैं उसे धमका भी नहीं सकता। इतने इस कलयुग के जमाने में इतना ईमानदार अधिकारी कभी नहीं मिल सकता। तो हम उनके लिए लड़ने आए। अगर उनका ट्रांसफर होगा तो शाहपुर ब्लॉक की हर आशा काम छोड़ देगी, आशा भी और संगनी भी। जानसठ मंत्री जी शायद मिले आप, क्या हुआ? मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया, हमारे सामने CMO सर को फोन करा कि चरथावड़ वाले को तो जानसठ भेजो, जानसठ वाले को चरथावल भेजो, लेकिन जो शाहपुरा में वहीं के वहीं रहने चाहिए। मंत्री जी पर हमें विश्वास है, विश्वास करके हम उनके यहाँ आए। बहरहाल केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने महिला आशाओं के समस्या को ध्यान में रखते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को BCPM अधिकारी के तबादला ना करने के निर्देश दिए हैं।